आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। क्या शुरू करने जा रहे हैं? मोशन 2D। रिलेटिव मोशन में हम लोग जानेंगे जब आगे जाते हैं तो जमीन पीछे कहे जाती है, और हम लोग जानेंगे कि जब किसी छत पे खड़े रहते हैं ऐसे करते हैं तो जो करते हैं वो कैसे जा रहा है। इसमें बहुत सारा माल पानी रख रहा है। तुम लोग बोलोगे अंडे वाला कैरेट है, गरीब लोग ऐसे सोचते हैं इस प्लेन में कोप्लेनर, इस प्लेन में कोप्लेनर, इस प्लेन में कोप्लेनर, ऐसे। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल तब निकालते हैं जब दोनों हेड से हेड जुड़े हों। जो स्मॉल एंगल है इसका मतलब हो गया क्या? हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कंपटीशन वाला। मैं ऐसे मौसम लेके आया हूँ रफ्तार सीरीज में एक और झंडादार लेक्चर। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। क्या शुरू करने जा रहे हैं? मोशन 2D। क्या शुरू करने जा रहे हैं? मोशन 2D। मोशन 2D में क्या क्या पढ़ेंगे पहले ये बताएंगे, फिर हम आपको बताएंगे आज क्या पढ़ेंगे। तो भैया देखो क्या मोशन 2D में क्या पढ़ने वाले हैं। मोशन 2D में मैंने पहले आपको बताया था कि थोड़ी मैथमेटिक्स सिखाएंगे जहां जहां जरूरत पड़ेगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर, बेसिक पढ़ेंगे वेक्टर। फिर क्या पढ़ेंगे इसमें, इसी में आगे पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, रिलेटिव मोशन। क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। रिलेटिव मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। तुम्हारे टीका लगा दें तुम्हें नजर बहुत लगती है, तुम बहुत स्वीट आदमी हो, है ना। चलो इस आदमी टीका लगा दे, बहुत अच्छा आदमी है भाई, ये बहुत स्मार्ट आदमी है। कौन हो भाई? ठीक है, तो हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। रिलेटिव मोशन में हम लोग जानेंगे जब आगे जाते हैं तो जमीन पीछे कहे जाती है, काहे के लिए पृथ्वी पीछे जा रही है, काहे के लिए जब हम चलते हैं तो पेड़ पीछे जाता है, कैसे नदी क्रॉस होती, कैसे बारिश होती, तो छाता लगाते हैं, ये सब कुछ जानेंगे कहां, रिलेटिव मोशन में। फिर हम लोग क्या जानेंगे? फिर हम लोग जानेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। मतलब हम लोग जानेंगे कि जब हम जो है बैट से बॉल को मारते हैं सीधा 6 रनों के लिए गेंद, तो ये 6 रनों के लिए जो गेंद जाती है, 4 रनों के लिए जो गेंद जाती है कितनी देर हवा में रही, कितनी ऊंचाई तक गई, कितनी दूर गई, ये सब जानेंगे। कहां? यहां अच्छे से जानेंगे, गर्दा उड़ा देंगे। और हम लोग जानेंगे कि जब किसी छत पे खड़े रहते हैं ऐसे करते हैं तो जो करते हैं वो कैसे जा रहा है, कितना दूर जाके गिरेगा, और कैसे अगर हम अपनी फ्लाइट से जा रहे हैं। पहले हम लोग सोचते थे यार जब हम प्लेन से जाते हैं तो प्लेन से जब कुछ करते होंगे तो नीचे कहां गिरता होगा, हम सोचते थे, तुम सोचो चाहे ना सोचो, और जिसने सोचा होगा ऐसा कि यार जब प्लेन ऊपर जाता है तो प्लेन से कुछ लोग नीचे गिराते होंगे कुछ कुछ माल पानी, तो कहां गिरता होगा, किसने सोचा कमेंट में बताना, हम कमेंट देखते हैं। बहुत सारे बच्चों ने अच्छे अच्छे जवाब भी दिए हैं, ठीक है। अब पहले वाले क्वेश्चन इसका नहीं, इसका तब दोगे, ठीक है। तो ये प्लेन जा रहा है, जैसे मान लो हमको बम गिराना है यहां पे, तो हम बम कहां गिरा देंगे, ये सब जानेंगे कहां, प्रोजेक्टाइल मोशन में। और यही हम लोग जानेंगे बेसिक्स काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या जानेंगे? काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन भी जानेंगे। क्यों? क्योंकि मोशन 2D, मोशन इन प्लेन का बेसिक है ये, प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर। एक प्लेन में जो सर्कुलर होता है, प्रोजेक्टाइल होता है, वो बिल्कुल बेसिक है। इसलिए इन सब मोशन को विस्तार से जानेंगे। उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वेक्टर। अगर आपको वेक्टर नहीं पता है बाबू तो कुछ नहीं पता है, किसी काम के नहीं हो तुम, समझे। तो आओ पहले जाने वेक्टर। तो आज की कक्षा में, आज के अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, कितने प्रकार का होता है वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है, और कैसे निकालेंगे दो वेक्टर के बीच का कंपोनेंट, कैसे निकालेंगे कंपोनेंट, क्या होता है एंगल, क्या होता है अलग अलग प्रकार का वेक्टर, और वेक्टर का इंट्रोडक्शन क्या है। आइए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। देखो हमने पहले से यहां अंडरलाइन कर रखा है, ये सब क्या है, स्केलर है। कौन है स्केलर, कौन है वेक्टर, आइए जानते हैं। थोड़ा ध्यान से 2-4 मिनट सुनना मुझे, ठीक है। क्या स्केलर इज ए क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड ओनली, मतलब स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसको खाली डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए। फिजिक्स में भांति भांति प्रकार की क्वांटिटियां हैं, ठीक है। कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिनको खाली मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड हो बस, उनका काम 56, उनका काम 56, ठीक है। कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिनको डिफाइन करने के लिए दिशा जरूरी है और मैग्नीट्यूड जरूरी है, जैसे पढ़ाई करने के लिए जरूरी है कि सही जगह से पढ़ाई करो। बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पे, लोग पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे क्या है, ऐसे चैनल हैं कंपटीशन वाला, जेई वाला, एनसीईआरटी वाला,
एनडीए वाला, एक तो इंग्लिश वाला भी आ गया, वहां से पढ़ाई करेंगे, सही डायरेक्शन में पढ़ाई करेंगे, गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, तो क्या भैया कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिनको डिफाइन करने के लिए क्या आना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। इतना ही काफी नहीं है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करने चाहिए। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो चाहिए चाहिए, साथ के साथ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करे, उनको वेक्टर बोलते हैं। नहीं बुझाया, देखो बुझाया कैसे, लिखा नहीं ना हमने, अब बताते हैं तुमको। देखो एक क्वांटिटी वेक्टर है अगर, ठीक है, एक क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो होना ही होना चाहिए और वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करे तभी वेक्टर होगा। ये कंडीशन मस्ट है, ये कंडीशन मस्ट है, ये कंडीशन मस्ट है, मस्ट नहीं मस्ट, मस्ट है। अगर कोई क्वांटिटी मैग्नीट्यूड रखता है, डायरेक्शन रखता है, लेकिन वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता तो स्केलर होगा। क्यों, स्कूल में सर लोग पूछते हैं करंट क्या है, वेक्टर है स्केलर है, करंट क्या है वेक्टर स्केलर है, तो उसके पहले जानते हो क्या कहते हैं, सर जी बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्या कहते हैं, तो करंट हम इधर जाता हुआ लेते नहीं लेते, करंट इधर जाता हुआ लेते नहीं लेते, करंट इधर जाता हुआ लेते नहीं लेते, तुम कहते हो हाँ लेते हैं, डायरेक्शन बता दो ना, बता दे, कहते हम बताते हैं, तो बताओ करंट वेक्टर स्केलर है, तो तुम कहते यार करंट का मैग्नीट्यूड तो हम बताते बताते हैं और डायरेक्शन भी बताते हैं, सर स्केलर नहीं वेक्टर है, सर कहते नहीं स्केलर है, तो तुम कहते हो डायरेक्शन तो है, तब सर बताते हैं बेटा डायरेक्शन ही सब कुछ नहीं है, वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन साथ साथ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना चाहिए। करंट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता, इसीलिए वो क्या आ गया, स्केलर में आ गया। तो जो क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड है, जिनके पास डायरेक्शन है और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दैट इज मस्ट, वही खाली वेक्टर होती है, बाकी हमारे दूसरी श्रेणी में चली जाती है। ठीक है, जिनको जिनको खाली मैग्नीट्यूड चाहिए वो स्केलर में चली गई, डायरेक्शन भी है लेकिन वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करते, वो स्केलर में। एक प्रकार की और क्वांटिट्यूड थी टेंसर, उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नाम एक बार लिया दोबारा लेंगे भी नहीं, उसके बारे में बाद में बताएंगे आपको, है ना। तो अभी इतना जानो, जिनके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करते हैं, क्या बोला, जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करते हैं, वही वेक्टर होते हैं, वही वेक्टर होते हैं, बाकी स्केलर। ठीक है, अब ये जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो क्या है, वो क्या है, हमने कहा ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। अच्छा, इसी में मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, तो ज्यादा आपके भेजे में जाएगा। ये ए और ये बी क्या है, इसको आप नंबर मत समझना, तीन चार चार तीन ये मत समझना, ये कुछ और है, ये प्रोसेस है, पहले ए प्रोसेस करो फिर बी प्रोसेस करो, जो रिजल्ट आ रहा है वही रिजल्ट आना चाहिए, पहले बी करो फिर ए करो। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं, एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। क्या एक्सपेरिमेंट करके दिखाने जा रहे हैं, बताऊंगा भी क्या एक्सपेरिमेंट करके दिखाने जा रहे हैं, बता दूं, बता दीजिए, पहले मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, किस सवाल का, इस सवाल का, किस सवाल का, स्मॉल एंगल इज वेक्टर ऑफ स्केलर, तो लार्ज एंगल क्यों नहीं पूछा, नहीं पूछा मेरी मर्जी, तो लार्ज एंगल वेक्टर ऑफ स्केलर ये भी पूछ सकते थे, हाँ पूछ सकते थे, तो स्मॉल एंगल ही क्या पूछ रहे हैं, पता चलता है। ये मेरे पास बैग है, कौन सा बैग है, ये वाला बैग है, ये वाला, ये कौन सा बैग है, ये बैग है, ये बैग, ये वो बैग है जिसको पहले पीछे पुराने जमाने में विलन लोग लेके चलते थे, इसमें बहुत माल रखते थे, इसे पैसा रखते थे, हीरा जवाहरात रखते थे, वही बैग लेके आए हैं तुम्हारे लिए, क्या करोगे इससे, इससे एक्सपेरिमेंट करेंगे, कौन सा एक्सपेरिमेंट करोगे, इससे वो एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे तुम्हें पता चल जाए कि वेक्टर है या स्केलर है, कौन, स्मॉल एंगल। मैं बहुत बढ़िया बैग बजा लेता हूं, पहले बताओ बैग में क्या है, नहीं बताएंगे क्या है, इससे वो बताएंगे कि कोई क्वांटिटी वेक्टर स्केलर, वो बताएंगे बैग में क्या है ये नहीं बताएंगे, क्यों बताएंगे, ठीक है आओ, अच्छा बताओ, देखो यहां पर हम कह रहे हैं कि वेक्टर कौन होता है, ये दिखा देंगे क्या है तो गड़बड़ा जाएगा, वेक्टर वो होता है जो पहले ए स्टेप करो फिर बी स्टेप करो, जो आउटकम आए वही आउटकम आए बी करो फिर ए करो, अगर ऐसा जो फॉलो करता है वो होता है वेक्टर और जो नहीं करता है वो क्या होता है, वो होता है स्केलर। अच्छा, तो स्मॉल एंगल वेक्टर है स्केलर है, स्मॉल एंगल क्या है, वेक्टर है स्केलर है, तो बताओ सोच के बताओ वेक्टर स्केलर है भाई, चलो बताओ सब लोग, स्मॉल एंगल क्या है, वेक्टर है स्केलर है, बताइए सब लोग सोच के, सर हमको लग रहा है वेक्टर होगा, क्यों, तभी आप पूछे नहीं, पूछते नहीं। अच्छा, तो लार्ज एंगल क्या है,
लार्ज एंगल, लार्ज एंगल हमको लग रहा है टेलर है। क्यों? ऐसे मन कर रहा है। आओ प्रूफ करके दिखाएं। ये है बैग। पहले ए स्टेप करते हैं, फिर बी स्टेप करते हैं। ये क्या किया हमने? कहा ए स्टेप मतलब इसको इधर की तरफ घुमाना, बी स्टेप क्या इधर तरफ घुमाना। तो ए स्टेप होता है आगे की तरफ घुमाना, बी स्टेप होता है इधर तरफ घुमाना। ए स्टेप बी स्टेप, बी स्टेप ए स्टेप, आए हाँ, ए स्टेप बी स्टेप, ए स्टेप बी स्टेप, बी स्टेप ए स्टेप, सेम आ रहा है? नहीं आ रहा सर। क्यों? ए स्टेप करते हैं बी स्टेप करते हैं तो ऐसा होता है, ए स्टेप करते हैं बी स्टेप करते हैं तो ऐसा होता है, और बी स्टेप करते हैं स्टेप करते हैं तो ये इधर चला जाता है, ये वाला, ये तो अलग आ रहा है सर। तो हमने बड़ा बड़ा एंगल घुमाया, 90-90 डिग्री घुमाया है, इसलिए ये ऐसा नहीं आ रहा है। क्या ए स्टेप इज इक्वल टू बी स्टेप? नहीं आ रहा है। तो हम करेंगे पहले ए स्टेप छोटा एंगल, फिर बी स्टेप छोटा एंगल। ए स्टेप आगे झुकाना, बी स्टेप क्या है ऐसे घुमा दो, क्या फर्क पड़ता है? ए स्टेप बी स्टेप, ए स्टेप बी स्टेप, बी स्टेप ए स्टेप, सेम आ गया। कैसे? ए स्टेप बी स्टेप, बी स्टेप ए स्टेप, इतनी तो सेम आ रहा है, लेकिन बड़ा एंगल में ए स्टेप बी स्टेप, बी स्टेप ए स्टेप, डिफरेंट आ रहा है। ओ माई गॉड, क्या जो स्मॉल एंगल है इसका मतलब हो गया क्या? स्मॉल एंगल हो गया स्केलर, नहीं वेक्टर, क्योंकि स्मॉल एंगल क्या कर रहा है? देखो ना, ए इससे देखो, उसमें नंबर दिख जाएगा, चोरी बैग है, ठीक है। क्या है? इसे ए फिर बी, ऐसे आ रहा है, बी ए सेम आ रहा ना, हां, लेकिन बड़े में ए बी बी ए अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब तो भैया गड़बड़ा गया मामला। क्या स्मॉल एंगल वेक्टर है, बड़ा एंगल स्केलर है? इसका मतलब यह हुआ, जो जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करेगा, जो क्वांटिटी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करेगा वो होगा वेक्टर, और जो नहीं फॉलो करेगा वो होगा स्केलर। देखो कितना बैलेंस है मेरा तगड़ा। जो क्वांटिटी क्या करेगा, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करेगा वो होगा वेक्टर। जो क्वांटिटी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करेगा वो होगा वेक्टर, और जो नहीं फॉलो करेगा वो क्या होगा? स्केलर। कोई गया, अभी गिर गया था, मारे जाएंगे, गिर जाएगा, तो समझ गए कि नहीं समझ गए? इस एक्सपेरिमेंट से मैंने तुमको यह सिखा दिया। क्या सिखा दिया? कि स्मॉल एंगल वेक्टर है, बड़ा एंगल स्केलर है। यह नहीं हमने बताया कि जो ये फॉलो करेगा वो होगा वेक्टर, और जो नहीं करेगा वो होगा स्केलर। अब समझ में आए? ए भी नंबर नहीं है, कोई स्टेप है, कोई प्रोसेस है। एक कोई और एग्जांपल देते तो कॉमेडी कर रहे थे आप। आओ एक और एग्जांपल देते हैं। क्या ये एक्स है, ये वाई है? चलिए बताओ इस एक्सपेरिमेंट में मजा आया कि नहीं आया? मजा आया तो बताओ ना, कहां बताओगे? कमेंट सेक्शन में बताना, हम इंतजार कर रहे हैं। जिसको जिसको मजा आया इस एक्सपेरिमेंट में बताना कमेंट सेक्शन में। ए स्टेप है इधर जाना, बी स्टेप है इधर जाना, तो ये है बी स्टेप, ये है ए स्टेप, तो ये है ए प्लस बी। ए प्लस बी जाके हम कहां पहुंच गए? पी पे पहुंच गए। फिर दूसरा स्टेप क्या है? पहले हम चलेंगे बी, फिर चलेंगे ए। ओके, चाहे पहले चलो बी, चाहे चलो ए, चाहे चलो ए, चाहे चलो बी, पहुंचोगे तुम यही। इसका मतलब क्या है? अगर डायरेक्शन और प्लस ये वाली बात फॉलो करो तो क्या जाता है? वेक्टर। इसीलिए स्मॉल एंगल क्या है? स्मॉल एंगल क्या है? वेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये फॉलो करता है ये, तो स्मॉल एंगल वेक्टर है क्योंकि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करता है, और लार्ज एंगल वेक्टर नहीं है। मतलब कोई भी क्वांटिटी जो ऐसे वाले प्रोसेस को फॉलो करेगा, मतलब जो ए के बाद बी, बी के बाद ए वाला फॉलो करेगा, मतलब ये जो लॉ है इसको फॉलो करेगा तो वेक्टर होगा, नहीं तो स्केलर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई, बहुत शानदार, ठीक है। अब वेक्टर को लिखते कैसे हैं ये चर्चा छेड़ने जा रहे हैं हम लोग। वेक्टर लिखते कैसे, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखो बहुत सारी किताबों में वेक्टर को लिखा जाता है कैसे, ऐसे ए लिखते हैं उसके बाद एरो लगा देते हैं, मतलब ए लिखते हैं जैसे कोई ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, डी लिखो, एम लिखो, हमसे क्या मतलब, बस ऊपर एरो होना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं एरो लगाना, एरो मतलब दिशा बताता है ना, हाँ हाँ दिशा बताता है, तो ऐसे लगा देंगे वो ऊपर जाएगा, तो ऐसे लगा देंगे वो इधर जाएगा, तो सर ऊपर जाएगा तो ऐसे लगा देंगे, सर अगर मान लो किसी एंगल पे होगा 45 डिग्री पे होगा तो सर हम ऐसे लगा देंगे। अगले बगले हो क्या बे, ऐसे लगाओगे? नहीं, बस सिंबल है ये, ठीक है, ये सिंबल है,
ठीक है, ये नहीं कि जिस एंगल पे जाया वही एंगल ठोक पीट दोगे, बहुत मारे जाओगे, समझे। नाम है खाली, अब जो नाम है बस ऐसे लिख दिया गया है, ये बताता है खाली डायरेक्शन है, ये खाली डायरेक्शन है, ये बताता है, कुछ भी नहीं कि कहीं भी कोई एंगल हो तो उसी एंगल पे लगा दो, ठीक है, समझ में आया। अब मान लो जिसे हमारे घर वाले हमको गधा कहते हैं, तो खाली सिंबल है कि हमारा व्यवहार गधे जैसा है, हमारी बुद्धि गधे जैसी है, ये नहीं हम गधे हैं, ये खाली बताता है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है, ये नहीं बताता किस डायरेक्शन में जा रहे हो। वैसे जब गधा वाली बात बताएंगे तो फील आ गया होगा ना, हाँ कि हम मंद बुद्धि हैं, है ना। हमारी अम्मा भी कहती है, कहती तुम अक्षय कुमार हो, तो हम अक्षय कुमार थोड़ी ना है, हमारी अम्मा हमको कहती है तुम गधे भी हो, तो हम गधे थोड़ी ना जाते हैं, दोनों बात जानते हैं हम, उड़ने नहीं लगते हैं। हाँ कोई स्टैंडर्ड बुक लेते हो तो आप बोल्ड लेटर में लिखा होता है, मतलब मोटा मोटा लेटर में लिखा होता है, जब बोल्ड लेटर में लिखा जाता है ऐसे तो उसको हम समझ लेते हैं वेक्टर है, अगर इसी चीज को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है तो स्केलर समझते हैं, ऐसे लिखा होता है स्मॉल लेटर में, स्मॉल का मतलब बोल्ड ना हो, नॉर्मल में हो तो स्केलर होता है, और अगर ऐसे लिखा हो तो बोल्ड में होता है तो क्या जाता है वेक्टर होता है। तो कभी बोल्ड लेटर में लिखा हो समझ जाना वेक्टर की बात कर रहे हैं, वो किताबों में होता है, तुम ज्यादा वैज्ञानिक बनो गोच गोच मत देना किताब लिखना, तो तुम कहीं लिखना तो ऐसे लिखना, समझे। यानी कि हमने ना मोटे पेंसिल लिखा तो वेक्टर टमंडना, वो जीरो नंबर दे देंगे सर जी, बस बस मुंह उठाए घूमोगे इधर उधर, ठीक है ना। तो जब वेक्टर लिखना तो आप ऐसा वाला फॉलो करोगे, अरे टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगाओगे, समझे, ऐसे लिखोगे, ऐसा भी नहीं लिखोगे, किताबों में लिखा वहां लिखे रहे, वो बोल्ड और स्मॉल वो जो भी करना होता है, नॉर्मल लेटर लिखना होगा लिख लेते हैं, ठीक है, तुम ऐसे ही लिखोगे, चलो ठीक है। सो अगर कोई वेक्टर, ये तो लिखने का तरीका हो गया, ग्राफिकली कैसे लिखते हैं, ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं, ये तो हमने लिखने का तरीका बता दिया, ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी वेक्टर को। देखो भैया कोई वेक्टर होती है तो यहां से शुरू हुआ यहां एंड करा, ऐसे ड्रॉ करके दिखाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना देते हैं क्या, नहीं सीधी लाइन से दिखाएंगे, पीछे वाले को टेल बोलेंगे पूंछ, जहां एरो होगा उसको बोलेंगे हेड, ये हेड है, ये हेड है, ये हेड होता है, ये जिधर की तरफ होता है वो डायरेक्शन बताता है, जब ग्राफ ड्रॉ करते हो जिधर की तरफ हेड होगा वो बताएगा डायरेक्शन, और जिधर तरफ पूछ होगा बताएगा टेल, जैसे ये है, ये देखो इसका मुंह नुकीला है तो ये वेक्टर है, तो ये इधर की तरफ डायरेक्शन होगा, ये इसका मोटा सा, ये उसका पूछ हो गया, ठीक है, तो ये हेड है ये टेल है, जितना लंबा बनाओगे इसको उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, तो इसकी लंबाई को इसको लंबाई मैग्नीट्यूड बताई जाती है, लंबाई से मैग्नीट्यूड बताई जाती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी क्या है 3 मीटर पर सेकेंड है, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, तो अगर इसको ऐसे लिखे 1 को, और v2 क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो कैसे लिखोगे 3 मीटर पर सेकेंड है V1, ये आएगा V1 वेक्टर, ईस्ट की तरफ ये V1 वेक्टर, ऐसे लिखें ये V2 वेक्टर किधर है, इसकी वेलोसिटी किधर तरफ है, इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर, तो मतलब इसकी जो लंबाई बनाई बड़ी बनाई जाएगी, ऐसे बड़ा बनाया जाएगा, इसके कंपैरिजन में उसी हिसाब से बड़ा बनाया जाएगा, ये होगा V2 इधर तरफ, ये क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों बनाया हमने, क्योंकि आप सबको पता है कि ऐसे लिखते हैं, ये नॉर्थ होता है, ये क्या होता है ये ईस्ट होता है, इधर बंबई है, कैटरीना कैफ यहां रहती है, तो ये बेस्ट हो गया, ये साउथ है, ठीक है। तो डायरेक्शन में अगर बोला गया नॉर्थ तरफ जाना तो ऐसे दिखाओगे, ये ऐसे, क्या बुझाया, कुछ गया दिमाग में कि नहीं गया, ठीक है। तो जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, और जितना ज्यादा जिधर डायरेक्शन होगा वो क्या जाएगा, जिधर हेड होगा उधर डायरेक्शन हो जाएगा। तो देखा क्या कि ये कोई क्वांटिटी है 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो ऐसे 5 मीटर पर सेकेंड किधर नॉर्थ की तरफ, तो ऐसे, ठीक है, हेड इसका इधर तरफ आया, लंबाई मैग्नीट्यूड बता रहा है, तो समझ में आया। इस तरह से हम वेक्टर को ग्राफिकली दिखाते हैं, ठीक है।
यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो देखो जरा पहले ध्यान से, आप कोई वेक्टर लिखते हैं तो वेक्टर में दो चीजें होती है बेटा, क्या उसका मैग्नीट्यूड। आज से याद रखो कि ऐसे जो दिखाया जाता है वो मैग्नीट्यूड होता है, और यहां जो टोपी लगाई जाती है इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, तो ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्या ये मैग्नीट्यूड है? ये किसका है? मैग्नीट्यूड है किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ऐसे लिखते हैं, ये जो लिखा जाता है ये ए कैप लिखा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर, वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, इसको ए कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए कैप, पढ़ने के लिए ए कैप बोलते हैं। इसको मॉड ऑफ ए बोलते हैं, बोलने के हिसाब से मॉड ऑफ ए बोल देते हैं, मॉडुलस ऑफ ए बोल देते हैं, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बोल देते हैं। हमने शॉर्ट में लिख दिया, ये क्या है? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर है। और ये क्या पढ़ा जाता है? ए कैप पढ़ा जाता है। ये टोपी लगी ना बर्थडे वाली, ऐसे ये ए कैप है, ठीक है? ए कैप क्या बताता है? यूनिट वेक्टर है। किसका? ए वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर कभी भी दिखाया, जैसे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो क्या लिखा जाएगा? ए कैप लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ए कैप लिखा जाएगा। और यूनिट वेक्टर का जो वैल्यू आता है, मैग्नीट्यूड आता है, नाम से ही पता चल रहा है, वन यूनिट होता है। क्या होता है? वन यूनिट होता है, ठीक है? तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा वन होता है। तो आप इसको शब्दों में लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, मैं लिख देता हूं पूरा जिससे आपको याद रहे, ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होता है? वन होता है। यूनिट वेक्टर देता क्या है? यूनिट वेक्टर गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन देता है। यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन ऑफ, इंफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, इसकी इंफॉर्मेशन देता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? किसी वेक्टर को जब लिखा जाता है तो दो बातें होती हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन वाला पार्ट जो होता है वो यूनिट वेक्टर कहलाता है, डायरेक्शन वाला पार्ट जो होता है वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। मैग्नीट्यूड जो होता है यूनिट वेक्टर का वो वन होता है, और यूनिट वेक्टर क्या देता है? डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है? यूनिट वेक्टर गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शन, किसका? ऑफ किसी वेक्टर, ए वेक्टर की, या कोई भी वेक्टर हो, बी वेक्टर को तो बी वेक्टर की, सी वेक्टर होगा तो सी वेक्टर का, किसी वेक्टर का, ठीक है? अब जैसे अगर मैं लिखूं यहां पर ऐसे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन देता है ना ये, हाँ। तो एक्स डायरेक्शन को ये आई कैप से डिनोट करा जाता है, एक्स डायरेक्शन में जो क्वांटिटी होगी उसको आई कैप से डिनोट करेंगे, वाई डायरेक्शन में जो क्वांटिटी होगी उसको जे कैप से डिनोट करेंगे, जेड डायरेक्शन में जो क्वांटिटी होगी उसको के कैप से डिनोट करेंगे। तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं यहां पे बोलूं आपसे, क्या बोलूं कि एक पार्टिकल, एक पार्टिकल, एक पार्टिकल, ये पार्टिकल है, ये तो चिंटुआ है मेरा। कौन है? चिंटुआ। मैं संसार में सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी से करता हूं तो अपने चिंटू बाबू से करता हूं। बच्चे कहते हैं आप बहुत बदलने वाले हैं, आप बदल जाते हैं तुरंत तुरंत, आपके भावनाएं हालात तुरंत तुरंत बदलते हैं। नहीं, सही बता रहे, हम चिंटू बहुत प्यार करते हैं। अगर चिंटू मान लो 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ चिंटू क्या लिखी जाएगी? अगर मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ चिंटुआ क्या लिखा जाएगा? तो अगर मैं लिखूं वेलोसिटी वेक्टर ऑफ चिंटुआ लिखूं, चिंटुआ लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बताओ? क्या लिखेंगे? 3j कैप। नहीं, 3 मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन आई कैप, तो 3i कैप वेलोसिटी हो जाएगी। ये आई कैप बता रहा है कि चिंटू इधर जा रहा है, ठीक है? अच्छा, अगर मान लो, अगर मान लो हमारा चिंटुआ जो है बहुत ताकतवर हो गया, हो गया ताकतवर, अब इसके बाल कैसे हो जाएंगे हमारे चिंटुआ के? अब हमारे चिंटुआ के बाल हो जाएंगे कुछ इस तरह से, कैसे? ऐसे, ऐसे। मतलब क्या है? हमारा चिंटुआ ऊपर तरफ उड़ने लग गया। हमारा चिंटुआ जो ऊपर तरफ उड़ रहा होगा मान लो 5 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी ऑफ चिंटुआ दोबारा क्या लिखी जाएगी? दोबारा क्या लिखी जाएगी? इस जगह पे मान लो चिंटुआ या मिंटुआ उड़ा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, मिंटुआ उड़ा देते हैं। मिंटुआ मान लो मायावी शक्ति का हो गया,
चिंटू नहीं उड़ेगा क्या? नहीं, चिंटू तो ऐसे चलेगा, मिंटुआ उड़ने लग गया मान लो, तो वेलोसिटी ऑफ मिंटुआ जो लिखोगे क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ मिंटुआ आएगा 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन किधर? वाई डायरेक्शन, तो जे कैप लगा देंगे। ये मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन हो गया, डायरेक्शन वाला पोर्शन हो गया। यहां आई जे से आपको बहुत क्लियर कट इंफॉर्मेशन पता चल रही होगी कौन किधर जा रहा है कि नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार एक पार्टिकल का वेलोसिटी दे रखा है, अगर मैं आपसे बोलूं एक पार्टिकल का वेलोसिटी दे रखा है माइनस सिक्स आई कैप मीटर पर सेकेंड, इसको जरा ड्रॉ करके बताओ, इमेजिन करके बताओ किधर जा रहा होगा। ये ड्रॉ करके इमेजिन करके बताओ किधर जा रहा होगा। तो आपने फटाफट सोच लिया, इतना पिद्दी सा सवाल हमसे पूछ रहे हो सर, यू पार्टिकल ऐसे जा रहा है, कैसे ऐसे जा रहा है, किससे? 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। क्यों ऐसा बनाया आपने, क्यों ऐसा बनाया? क्योंकि सर 6 बताता है कि ये मैग्नीट्यूड इसका 6 है, लेकिन माइनस आई कैप बताता है कि ये इधर की तरफ जा रहा है। तो यहां भी हो सकता है, 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 बस इसका मुंह जो है इस तरफ होगा, है कि नहीं? तो सिंपल है। इसी में एक बात बताएं, अगर हम आपसे बोले कि ये बॉल हमने ऊपर तरफ फेंकी है, बॉल ऊपर तरफ फेंकी है, ठीक है, बॉल फेंकी ऊपर हमने मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, ऊपर तरफ बॉल फेंकी है, तो बताना है क्या आपको? आपको बताना है ये ऐसे हमने इसको इस तरह लिखा भी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर हम आपसे बोले ए वेक्टर लिखो और वी वेक्टर लिखो, तो ए वेक्टर वी वेक्टर क्या होगा बताओ? ए वेक्टर वी वेक्टर क्या होगा? एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? तो बहुत आसान है सर, कैसे ऐसे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, हाँ 10 है, किधर तरफ है? ऊपर की तरफ है, क्या लिखा जाएगा? जे कैप लिखा जाएगा, तो वेलोसिटी 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन तो पत्थर ऊपर जाता है चाहे नीचे जाए, तो एक्सेलरेशन तो हमेशा ही रहता है, किधर? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या लिखा जाएगा? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या? जे कैप। -10 क्यों लगाया? नीचे की तरफ है, और जे क्यों लिखा? सब समझते हो तुम, जे क्यों लगाया? जे लगाया क्योंकि नीचे की तरफ है, मतलब इस डायरेक्शन में। माइनस जे क्यों लगाया? क्योंकि नीचे की तरफ, ऐसे लिख दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझ में आया, यूनिट वेक्टर से क्या पता चलता है? इससे इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि डायरेक्शन किधर है। तो वेलोसिटी इसकी प्लस जे मतलब ऊपर तरफ है, एक्सेलरेशन माइनस जे मतलब नीचे की तरफ है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक और एग्जांपल बताएं। हाँ एक और बताइए, मान लो चिंटू हमारा इसे उड़ता जा रहा है, ऐसे उड़ता जा रहा है, ऐसे, वेलोसिटी इसकी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। अभी ये एक्स है, ये वाई है, ये ऐसे उड़ता हुआ जा रहा है। अब इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लिखो, तो बहुत आसान है लिखना। वेलोसिटी लिखेंगे 10 इस तरफ है, 10 लिख गया, इस तरफ मतलब आई कैप लगा देंगे। एक्सेलरेशन इसको लिखने में क्या दिक्कत है? ऊपर इधर जा रहा होगा तो ग्रेविटी तो लग रही होगी नीचे, हाँ लग रही होगी नीचे, तो एक्सेलरेशन क्या जाएगा? माइनस का 10 जे कैप हो जाएगा। तो ये आपको लिखना अच्छे से आना चाहिए, कि लिखना आपको अच्छे से आना चाहिए। डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन दोनों में 10-10 था, लेकिन एक में 10 जे था मतलब ऊपर तरफ जा रहा है, एक में 10 आई है मतलब इधर तरफ जा रहा है। अब समझ में आया आई जे के क्या देता है? डायरेक्शन देता है। आगे क्या लिखा है? वो मैग्नीट्यूड लिखा है। तो यूनिट वेक्टर क्लियर हुआ? हम पता है यूनिट वेक्टर बहुत सारी जगह अलग अलग तरीके से लिखा होगा, हम इस तरह से आपको बता रहे हैं क्योंकि इसी तरह से ज्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है, लिखना ही तो नहीं आता, कब आई लगा दे कब जे लगा दे, लगाओ खूब आई जे, ठीक है, कर दो याद, बिल्कुल धुआं कर दो बेटा। आओ जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर, इसको नल वेक्टर भी बोलते बाबू। क्या बोलते हैं? नल वेक्टर बोलते हैं। नल मतलब वो टोटी वाला नल। अबे मारेंगे ना उड़ जाओगे भी तुम।
नल मतलब टोटी बता रहा है, वो नहीं होता है। नल माने शून्य, नील बता सन्नाटा वाला नल, ठीक है। तो कोई वेक्टर जो होता है, जैसे ये वेक्टर है तो इसकी कुछ लंबाई है, कुछ लंबाई है, तो इसकी लंबाई बताएगा मैग्नीट्यूड और यह बता देगा डायरेक्शन। ये कोई ए वेक्टर है, कोई ए वेक्टर है, लेकिन जो नल वेक्टर होगा ना, नल वेक्टर वो डिनोट होगा किससे, एक डॉट से डिनोट होगा। ये होगा नल वेक्टर। ये क्यों बताया आपने, ऐसे क्यों बताया? ऐसा इसने बताया बेटा, ये है नल वेक्टर भाई, इसकी लंबाई मैग्नीट्यूड बताता है। पिचका दो पिचका दो पिचका दो पिचका दो, जब इसका मैग्नीट्यूड जीरो कर दोगे तो एक छोटा डॉट नहीं बन जाएगा? ओ माय गॉड। तो नल वेक्टर डॉट से शो किया जाता है, किससे शो किया जाता है, डॉट से। उसका मैग्नीट्यूड खत्म है। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर क्या होता है, जीरो होता है। तो जो नल वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, और डायरेक्शन डायरेक्शन बता दें, डायरेक्शन अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्यों, अनडिफाइंड क्यों? अभी ये बताओ, तुम मान लो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो तो ये होगा भाई, नॉर्थ जा रहे हो, ईस्ट जा रहे हो, वेस्ट जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो। मैं बैठा है, मैं तपस्या कर रहा है, मेरी डायरेक्शन बताओ, पगलू हो गया बिल्कुल? अरे जब तू चल ही नहीं रहे तो तुम्हारी वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगा? मन से भ्रमण करो, इधर भी करो, ठीक है। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं है उसका डायरेक्शन क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैं चलूंगा तभी तो मेरी कोई डायरेक्शन होगी, मैं बैठा हूं तपस्या कर रहा हूं, ओ बैठा हूं ऐसे, तो कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो नल वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, समझे? ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। तो नल वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर जिनको हम, जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन अनडिफाइंड होती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे, जब इसका कुछ है ही नहीं तो काहे इसके पीछे पड़े हो? पड़े हैं, पड़े हैं, पड़े हैं। किसी बॉडी पे अगर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं और नेट फोर्स जीरो हो गया तो उसको बोलेंगे नल वेक्टर। क्या बोलेंगे? नल वेक्टर। मतलब उस पर जीरो फोर्स लगा उसको बोलेंगे नल फोर्स, मतलब जीरो फोर्स, जीरो वेक्टर का फोर्स, समझे? इसकी जरूरत पड़ती है, रिजल्टेंट किसी पे जीरो हो गया, किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं उसका फोर्स का सम जीरो है, तो नल वेक्टर से तो डिनोट होगा। ये कह रहे हैं हम, जरूरत पड़ती है इसकी, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं पर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, किसी इंस्टेंट पर जीरो है, उसको नल वेक्टर से डिनोट करना पड़ता है, समझे? तो ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत हाँ नहीं है। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर वो होते हैं जो इक्वल हो, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो उसको इक्वल वेक्टर बोलते हैं। अच्छा और क्या, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा इक्वल वेक्टर होंगे? नहीं। क्यों होंगे? नहीं, पानी पी लो बताएं। बहुत मीठा पानी। देखो बेटा, इक्वल वेक्टर, तो वेक्टर है और इक्वल है, मतलब उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए, समझे? तो वेक्टर इक्वल कब होगा? जब सेम मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन सेम हो। मतलब ये कि जैसे ये ए वेक्टर है ऐसा है, और जो बी वेक्टर है वो ऐसा है, ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल है। आओ अच्छे से बताएं। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर इक्वल नहीं, हमने नापा है, थोड़ा कम है। हाँ तुम बहुत काबिल हो, आओ लो ये वेक्टर है, आप बता लो ये वेक्टर, ये इक्वल वेक्टर होता है जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो, इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। जैसे अगर मैं बोलूं यहां पर एक आदमी है, सबसे ज्यादा समझदारी वाली बात यही पढ़ी है अभी तक हमने, ये अगर इस तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, ये आदमी चिंटू है, यहां पे इसका दोस्त
ये भी इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, ये मिंटू। तो वेलोसिटी ऑफ चिंटू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिंटू है, ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं, ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड से जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड से जा रहे हैं, इसीलिए इक्वल वेक्टर है। ठीक है, लेकिन लेकिन एक सेकेंड अनइक्वल वेक्टर नहीं लिखा है, मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। अनइक्वल वेक्टर क्या होते हैं? यू इक्वल लिखा है मैंने, देखो पगले हैं बिल्कुल हम। लेकिन अनइक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं? अनइक्वल वेक्टर क्या होता है? तो कोई वेक्टर ए है, तो हमने क्या बोला था यहां पर, कोई वेक्टर ए है और बी बराबर है, तो ये बातें होनी जरूरी है क्या? ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, ए का डायरेक्शन बी का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। अनइक्वल वेक्टर में क्या होगा? ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। तो इसके तो दोनों केसेस हो सकते हैं, क्या ए का मैग्नीट्यूड बराबर ना हो बी के, या फिर ए की डायरेक्शन ना बराबर हो बी के डायरेक्शन के, या फिर बोथ, ना मैग्नीट्यूड बराबर हो ना डायरेक्शन बराबर हो, वन इक्वल वेक्टर होगा, वन इक्वल होगा। जैसे ये ए है 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ए जो है 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और बी जो है इधर तरफ उड़ रहा है वो भी 3 मीटर पर सेकेंड से, ये वेक्टर अनइक्वल हो जाएगा, क्यों? डायरेक्शन ही नहीं सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या फर्क पड़ता है? अनइक्वल है, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन बराबर नहीं है। यहां पर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड है लेकिन ए की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन में है नहीं है, इसीलिए अनइक्वल है, इसीलिए अनइक्वल वेक्टर हो गया ये। ऐसे दूसरा केस भी कर सकते हो आप, कैसे? यहां पर मान लो डायरेक्शन सेम है, ये 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये जो है 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो डायरेक्शन सेम है लेकिन अनइक्वल वेक्टर है, क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है। हां डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है, ऐसे दूसरा केस भी हो सकता है दोनों वाला, तो इसको बोलेंगे अनइक्वल वेक्टर। क्या बोलेंगे? अनइक्वल वेक्टर। ठीक है, चलो आओ आप बात करते हैं पैरेलल वेक्टर की। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? पैरेलल वेक्टर किसको बोलते हैं? वेक्टर आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन होगा तो पैरेलल होगा, सेम डायरेक्शन होगा तो पैरेलल होगा। जैसे ये मान लो 4 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, ये जो है बी जो है 6 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए का जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी ऑफ बी का डायरेक्शन है, इसीलिए पैरेलल है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, चलेगा? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ए जो है यहां पर 4 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, बी जो है वो भी 4 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, तो ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन और बी की वेलोसिटी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है तो भी चलेगा, बराबर है, तब भी सम पैरेलल बोलेंगे। मेन चीज है डायरेक्शन सेम होना चाहिए बस,
हाँ ये वाला वेक्टर इक्वल है, ये वाला अनइक्वल है, मतलब इक्वल वेक्टर और अनइक्वल वेक्टर दोनों पैरेलल हो सकते हैं, बस कंडीशन क्या है, डायरेक्शन सेम रखो। तो मेन हमारा यहां जोर किस बात पर है कि दो वेक्टर तभी सेम होंगे, इक्वल होंगे, पैरेलल होंगे जब डायरेक्शन सेम हो। इक्वल कब होंगे, इक्वल कब होंगे, जब क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। तो इक्वल वेक्टर पैरेलल होगा लेकिन पैरेलल वेक्टर इक्वल नहीं होगा, समझा, इक्वल वेक्टर पैरेलल होगा लेकिन पैरेलल वेक्टर इक्वल होने गारंटी नहीं है, ठीक है। क्या बोला हमने, इक्वल वेक्टर पैरेलल होगा, इक्वल वेक्टर पैरेलल होगा, इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होगा लेकिन पैरेलल वेक्टर वेक्टर इक्वल हो सकता है, क्या समझे, इक्वल वेक्टर पैरेलल हो सकता है, पैरेलल वेक्टर इक्वल मतलब इक्वल वेक्टर पैरेलल होगा, होगा हो सकता है, फर्क देखो, इक्वल पैरेलल होगा ही होगा और ये हो सकता है, फर्क देखिए थोड़ा सा, मजा लीजिए, फर्क हो सकता होगा में क्या है, यहां पे इक्वल नहीं है, यहां पे इक्वल है लेकिन दोनों ही पैरेलल है, समझ में आया, इसलिए ऐसा हम कह रहे हैं। आगे पढ़िए, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, अनलाइन वेक्टर, दे आर सेड टू बी एंटी पैरेलल इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड सेम और डिफरेंट है उससे मतलब नहीं, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। जैसे जैसे ये इधर है, जैसे ये इधर है, जैसे ये इधर है, तो ए बी सी, अब बताओ यहां पे कौन किसके एंटी पैरेलल है, कौन किसके एंटी पैरेलल है और कौन किसके पैरेलल है, कौन किसके पैरेलल है, कौन किसके एंटी पैरेलल है। सो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है, आर एंटी पैरेलल, ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, और ए और सी भी एंटी पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल, बी एंड सी आर पैरेलल वेक्टर। कैसा लगा मजाक, ए बी के उल्टा चल रहा है ना, तो ए बी एंटी पैरेलल है, ए सी के उल्टा चल रहा है एंटी पैरेलल है, डायरेक्शन उल्टी होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड का देखा जाएगा जो होगा, बी और सी पैरेलल है, क्यों, मैग्नीट्यूड से क्या मतलब, इक्वल वेक्टर नहीं है, पैरेलल तो है, इक्वल नहीं है पैरेलल है, समझे, ये कहने का मतलब है। चलो अब बात करते हैं कॉन्करेंट वेक्टर, वो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट एक जैसा हो, एक जगह हो, मतलब वो वेक्टर जो एक ही जगह से ओरिजिनेट हो या होते हुए लगे, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट वेक्टर। जैसे जैसे ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये कॉन्करेंट वेक्टर है, एक ही जगह से इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट वेक्टर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये सब तीन चार बच्चे क्या कर रहे हैं यहां पे, ये चिंटू मिंटू है, चिंटू है, मिंटू है, पिंटू है, रिंटू है, सब है यहां, रामलाल है, फॉरम है, अंटरपंटर है, सब है यहां पे,
ठीक है, ये कॉन्करेंट है, ऐसा भी हो सकता है कॉन्करेंट, पता है, अगर मैं इसको प्रोड्यूस करूं पीछे, यहां शुरू होता लग रहा है, ये भी है, ठीक है, ये को इनिशियल वेक्टर, एक ये शुरू होते लगे या शुरू हो, टग ऑफ वॉर है ये गेम, क्या है टग ऑफ वॉर, रस्सा खींच, कौन जीतेगा इसमें, टोपी वाला हार जाएगा, क्यों डूड बन रहा है ना ये ये सब ऐसे हैं पाउडर वाले, ये है इधर देख रहा, ये मजबूत आदमी है, इधर इधर ये बॉयकट वाली लड़की है, ये जीता जाएगी, तो हम तो भैया इधर वाले जीतेंगे, तुम्हारा क्या कहना है, इधर वाला जीतेगा, इधर वाला, हमको लग रहा इधर वाले जीत जाएंगे, ये जीत जाएंगे सब, कंकरेंट कैसे ये बताओ भैया, इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, लो अरे लोग किधर वाले जीतेंगे मैंने बता दिया, देखो यहां पे मेरे बोलने पे ना जाओ, मेरे बोलने पे ना जाओ, मेरे वेक्टर नोटेशन पे जाओ और बताओ कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, मेरी चालाकी समझ रहे हो, मेरी चालाकी समझ रहे हो, मैंने इशारा कर दिया कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, जीतेगा। लेकिन मैंने ऐसा ड्रॉ किया है कि ड्राइंग से पता चल जाएगा तुमको कौन जीतेगा, मैंने यार ड्राइंग ऐसी करी कि तुम्हें पता चल जाएगा, और ड्राइंग कर दे कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, मेरी ड्राइंग से तुम बता सकते हो कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, बताओ कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, कौन जीता कौन हारा, अब तो बता सकते हो, बताना कौन जीता कौन हारा, कंकरेंट क्यों है, जहां जिसका इनिशियल एक ही हो, जैसे यहां तो खींच रहे थे ये फोर्स एक ही जगह लग रहे थे, कंकरेंट हो गए, कमेंट में बताना कौन जीता कौन हारा, नहीं बहुत मारेंगे, ठीक है, आगे को प्लेनर क्या होते हैं, जो एक ही प्लेन में उनको को प्लेनर बोलते हैं, जो एक ही प्लेन में उनको को प्लेनर बोलते हैं, और दो वेक्टर हमेशा को प्लेनर होते हैं, का हां दो वेक्टर हमेशा को प्लेनर होते हैं, दो वेक्टर हमेशा को प्लेनर होते हैं, लिख लो जाओ नाम से पता चलेगा, एक ही प्लेन में को प्लेनर होते हैं, और दो वेक्टर हमेशा को प्लेनर होते हैं, दो वेक्टर हमेशा को प्लेनर होते हैं, हमेशा मतलब हमेशा, ज्यादा सवाल जवाब नहीं चलेगा, क्यों होते हैं सर, वो एक ही प्लेन में होंगे तो को प्लेनर होंगे, जैसे आओ शो ऑफ करें, प्लेटिनम का बैग है बेटे, प्लेटिनम का, आई एम अ रिच मैन ब्रो, देखो यहां पर एक वेक्टर है, ये लाइन एक वेक्टर, ये लाइन एक ही प्लेन में कि नहीं, यहां ये हो गया को प्लेनर, एक लाइन ऊपर तरफ एक लाइन इधर तरफ, को प्लेनर हो गया, अब तुम चाह रहे हो इसमें मैं गोताबादी कर दूं, नहीं करूंगा, ठीक है, मैं इसका पासवर्ड से खोलता हूं, इसका पासवर्ड है डिश 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 डिश, मैंने खोल दिया, पासवर्ड क्या था, डिश 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 डिश, ओ बेटे इसमें बहुत सारा माल पानी रख रहा है अब तुम लोग बोलोगे अंडे वाला कैरेट है, गरीब लोग ऐसे सोचते हैं, ठीक है, ये एक कैरेट नहीं है, इसमें सब हीरे रखे हैं, छुपा के रखा मैंने, अब ये प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया, दो प्लेन हो गए, अब कुछ कहेंगे सर ये वेक्टर और ये वेक्टर तो को प्लेनर नहीं हुए, आप हार गए, अच्छा मैं हार गया, आप एक वेक्टर इस लाइन को बोल देते, एक वेक्टर इस लाइन को बोल देते, ये तो को प्लेनर नहीं हुआ,
आप क्या करोगे? बाबू ये इस प्लेन में को प्लेनर है, हाँ इस प्लेन में ऐसे, ये वाला प्लेन, इधर वाला प्लेन, इस प्लेन में को प्लेनर है, समझा बुझाया? भाई यहां पे एक दरवाजा खड़ा कर दो, लो ऐसे खड़ा कर दे ऐसे, ये इस प्लेन में को प्लेनर, इस प्लेन में को प्लेनर, इस प्लेन में को प्लेनर, ऐसे इस प्लेन में को प्लेनर है। तो ये वेक्टर इस प्लेन में को प्लेनर है, तो दो वेक्टर में ऐसे ही को प्लेनर होंगे, समझे? तीन वेक्टर की बात करेंगे तब सोचना पड़ेगा, लेकिन दो वेक्टर में ऐसे ही को प्लेनर होते हैं। अगर बोले एक वेक्टर जो इधर उड़ के जा रहा है और एक वेक्टर ये, तो एक वेक्टर जो इधर उड़ के जा रहा है ना, ये इधर और एक वेक्टर ये, तो ये इस प्लेन में को प्लेनर होगा, इस प्लेन में को प्लेनर होगा, टेढ़े वाले प्लेन में को प्लेनर होगा। ओके, तो दो वेक्टर में को प्लेनर होते हैं, तीन वेक्टर में लफड़ा होता है, तीन वेक्टर में लफड़ा होता है। कैसे? एक वेक्टर यहां हो गया, एक वेक्टर यहां हो गया, तो ये को प्लेनर हो गया, लेकिन अब तीसरा वेक्टर ये पे नहीं, इधर तो बुला दे, तो अब को प्लेनर नहीं होगा, अब तीनों वेक्टर को प्लेनर नहीं होंगे। ठीक है, तीनों वेक्टर को प्लेनर हो सकते हैं। कैसे? एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, पेन को इधर रखो, इस प्लेन में रखो, इस प्लेन में, इस किताब के प्लेन में रखो, तो को प्लेनर हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारी तब उड़ा दे तो को प्लेनर नहीं होगा। समझ में आया? बंद। पासवर्ड क्या इसका? डिश डिश डिश, बंद। पासवर्ड लगा दे तो डिश डिश, और क्या पासवर्ड? बंद हो जाए यार, तुम लोग देख रहे हैं, बेइज्जती करा रहे हो। बंद हो गया, पासवर्ड क्या है? डिश डिश डिश, बंद कर दिया मैंने, बंद हो गया। तो इस प्लेन में दो लाइन खींच दो, को प्लेनर हो जाएंगी ना, एक ये को प्लेनर, लेकिन एक तीसरी लाइन यहां उड़ा दो तो कौन सी? ये वाली, ये को प्लेनर नहीं है, अब को प्लेनर नहीं है, ये को प्लेनर नहीं है, क्यों? ये वेक्टर ये साथ में, ये को प्लेनर नहीं है, लेकिन अब को प्लेनर, अब तीनों को प्लेनर, कौन सी? ये वाली साइड, दो वेक्टर और ये तीन वेक्टर, तो दो वेक्टर को प्लेनर होते हमेशा, तीन आते तो सोचना पड़ता है, अगर तीनों एक ही प्लेन में तो को प्लेनर, नहीं तो को प्लेनर नहीं। जैसे अगर मैं बोलूं यहां पर ये वेक्टर और ये वेक्टर को प्लेनर है, और ये पेन तीसरा वेक्टर को प्लेनर नहीं है, लेकिन पेन को इसी में लटा दे तो को प्लेनर हो जाएगा। अब ये तीन लाइन जो हम खींच रहे हैं ये को प्लेनर है, ठीक है, ये तीन लाइन क्या को प्लेनर है एक ही प्लेन में, लेकिन पेन यहां कर दिया को प्लेनर नहीं हुआ, इसी में रखते तो को प्लेनर होता। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, और क्या दिक्कत है? ठीक है, तो को प्लेनर समझ में आया? चलो, थोड़ा मुझे शो ऑफ करना था, अपना बैग दिखाना था, इसलिए हम बैग का एग्जांपल दे रहे थे, अदरवाइज कोई मेरा इंटेंशन नहीं था, तुम तो पहले ही समझ गए थे को प्लेनर ना बाबू, वेरी गुड। ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो ऑर्थोगोनल होते हैं, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, दो वेक्टर बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, उनको ऑर्थोगोनल बोलते हैं। जैसे अभी समझाने के लिए इसे समझा रहे हैं, अभी एंगल निकालना सिखाएंगे वेक्टर का, तो वहां और सिखाएंगे आपको ना। जैसे यार ये देखो, ये आई कैप और जे कैप, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर है, ये और ये आई कैप के कैप ऑर्थोगोनल है। अभी आपको ऑर्थोगोनल वेक्टर निकालने का तरीका भी सिखाऊंगा, एक डॉट प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा। जे वेक्टर के वेक्टर ऑर्थोगोनल है, तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, एक ए वेक्टर है ये और एक बी वेक्टर है ये, अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं ये ऑर्थोगोनल होंगे। दो वेक्टर है परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल का मतलब था परपेंडिकुलर, दो वेक्टर है परपेंडिकुलर हैं, उनके बीच का एंगल 90 है तो ऑर्थोगोनल होंगे। एंगल बिटवीन वेक्टर निकालना भी सिखा रहे हैं आपको, बस टाइम आ गया। वैसे मुझे पढ़ाना ऑर्थोगोनल तभी चाहिए था जब मैं एंगल बिटवीन वेक्टर निकालना सिखा देते, लेकिन अब जो ब्रो में भैया जी बह गए, क्या भैया बह गए तो बह गए क्या बाबू? दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? आइए वो जानते हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं वो जानते हैं। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल तब निकालते हैं जब दोनों हेड से हेड जुड़े हों, या दोनों टेल से टेल जुड़े हों, पूछ से पूछ लगी हो, मूछ से मूछ नहीं कह रहे, पूछ से पूछ, जब पूछ से पूछ लगी हो या मुंह से मुंह लगा हो, तब दो वेक्टर के बीच का जो एंगल बनता है सबसे छोटा वाला, वो होता है एंगल बिटवीन वेक्टर। मतलब जब दो वेक्टर
जब तो वेक्टर टेल टू टेल लगे हो, जब तो वेक्टर टेल टू टेल लगे हो, ये एंगल बिटवीन वेक्टर हो जाएगा। या फिर जब दो वेक्टर हेड से हेड लगे हो, कहां से कहां लगे हो, हेड से हेड, उनके बीच का जो सबसे छोटू एंगल होता है वो एंगल बिटवीन वेक्टर होता है। ये कोई होगा वेक्टर सी, ये कोई होगा वेक्टर डी। तो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंगल। बिटवीन वेक्टर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड, कनेक्टेड बाय हेड टू हेड और टेल टू टेल। जब दो वेक्टर हेड टू हेड कनेक्टेड हो या टेल से टेल कनेक्टेड हो, उनके बीच का सबसे छोटा वाला एंगल एंगल बिटवीन वेक्टर कहलाता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये वाला एंगल काहे नहीं ले रहे हो, तो इतनी देर से क्यों चिल्ला रहे हैं कि छोटा वाला एंगल, ये वाला एंगल क्यों नहीं ले रहे हो, इतनी देर से क्यों चिल्ला रहे हैं सबसे छोटा वाला एंगल, इसीलिए तो चिल्ला रहे हैं सबसे छोटा वाला एंगल। जब दो वेक्टर हेड टू हेड लगे हो या टेल टू टेल लगे हो, उनके बीच का जो सबसे छोटा एंगल होता है वो एंगल बिटवीन वेक्टर होता है। ठीक है, अब जैसे ये ठीक है, जैसे ये ये है यहां पे 150 डिग्री, ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी। अब अगर आपसे पूछा जाए ए और बी के बीच का एंगल क्या है, ए और बी के बीच का एंगल क्या है, क्या 150 है या नहीं, ए और बी के बीच का एंगल क्या है, 150 है कि नहीं, बताओ, चलो बताइए ए और बी के बीच का एंगल क्या है, 150 है कि नहीं, बोलो जल्दी से। एक छोटी सी बात तुमको और सिखा दें, हम किसी दो वेक्टर को स्पेस में डिस्प्लेस कर सकते हैं बिना रोटेट किए हुए, दो वेक्टर को हम स्पेस में शिफ्ट कर सकते हैं बिना रोटेट किए हुए। मतलब तो दो वेक्टर को आप शिफ्ट करोगे एक जगह से दूसरी जगह बिना रोटेट किए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहना क्या चाहते हैं आप, हम कहना यह चाह रहे हैं बाबू आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे, अभी भी ये बी वेक्टर ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वी कैन डिस्प्लेस अ वेक्टर इन स्पेस विदाउट रोटेटिंग, बिना रोटेट किए किसी वेक्टर को हम स्पेस में डिस्प्लेस कर सकते हैं, वेक्टर सेम रहेगा। लिख लो इस बात को, क्या वी कैन डिस्प्लेस वेक्टर विदाउट रोटेशन, मतलब हम यह कहना चाह रहे हैं वेक्टर को बिना रोटेट किए हुए हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर में बदलाव नहीं होगा। अच्छा तो अब क्या हो गया, अभी यही वेक्टर, ध्यान से सुनना बेटा, अभी यही वेक्टर इसका टेल इसका हेड कनेक्टेड था, टेल ऑफ ए हेड ऑफ ए कनेक्टेड था, अब यही वेक्टर क्या हो गया, टेल ऑफ ए टेल ऑफ बी कनेक्टेड हो गया, शिफ्ट करने का इतना फर्क हुआ।
तो यहां एंगल बिटवीन वेक्टर क्या बोला जाएगा, ये 30 डिग्री बोला जाएगा। यहां एंगल बिटवीन वेक्टर क्या जाएगा, डिग्री। कुछ लोगों के समझ में नहीं आया होगा, कुछ लोग कह रहे होंगे सर आप बेईमानी कर रहे हैं, आप चीटिंग कर रहे हैं, आप चीटिंग कर रहे हैं। क्यों चीटिंग कर रहे हैं? आपने सर बी को क्यों शिफ्ट किया, आप ए को भी तो शिफ्ट कर सकते थे। बिल्कुल करेक्ट बात है भाई, आओ आओ देखो, ऐसे था ये था, बी कैसा था, ऐसा था बी, ऐसे लगा था ना, हाँ था। हम क्या कर रहे हैं, अब ध्यान सुनना, इसको थोड़ा और आगे बना देते हैं। हम अगर इसको ऐसे शिफ्ट कर देते हैं, ऐसे ऐसे, अब क्या किया हमने, हमने ए को शिफ्ट कर दिया, मतलब ए को पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया। कुछ कहेंगे नहीं सर आपने बी को शिफ्ट किया है मानो ने तो मान ही नहीं रहे, तो क्या करें बताओ, तुम हमें हमारे पर विश्वास ही नहीं कर रहे हो। हमने ए को शिफ्ट किया बेटा चित्र वैसा लग रहा है ना, लग रहा है कि इसको इधर खिसका लेके, नहीं हम ऐसा कर रहे हैं, ए को पीछे लेके गए, ठीक है। ए को पीछे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए को पीछे लेके जाओगे, इस एंगल को हमें देखना है, जबकि जबकि ये ऐसे था, बी ऐसे था, मतलब ए ऐसे था, ए ऐसे था, इसको हमने पीछे शिफ्ट कर दिया बेटा, आप समझे, ए ऐसे था, हमने इसको शिफ्ट करके ऐसे कर दिया। अब तो खुश हो, अब तो मान रहे हो इसको लेके गए पीछे, माने हम, पहले एंगल कितना दिया था 150, अब कितना देगा 30। तो ये आपकी चॉइस है, आप किसको शिफ्ट करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसको शिफ्ट करते हो ये आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है, आप किसको शिफ्ट करते हैं, बस एक को शिफ्ट करना है, हेड टू हेड जोड़ो या टेल टू टेल जोड़ो। जैसे जैसे अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी क्या होगा। अब आप ए को शिफ्ट करिए या फिर बी को शिफ्ट करिए, क्यों शिफ्ट करें, क्योंकि ये हेड टू टेल लगा था, इसलिए शिफ्ट करिए, शिफ्ट करें, क्योंकि जब वेक्टर हेड टू हेड या टेल टू टेल लगे होते हैं तभी एंगल लिखा जाता है, एंगल बिटवीन वेक्टर। आ जाएगा पाई माइनस थीटा, नहीं दिख रहा है तो दिखाइए, शिफ्ट करिए इसको, किसी को भी शिफ्ट करिए, लेकिन शिफ्ट करिए, हेड टू हेड जोड़िए, टेल टू टेल जोड़िए, नहीं जोड़ेंगे तो आएगा नहीं सही, ठीक है। अब जैसे यहां पे पूछा जाए आपसे, ये वेक्टर है सी, ये वेक्टर है डी, ये एंगल है 240। अब एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होगा, शिफ्ट कर दे, क्या करोगे शिफ्ट, वीडियो रोको बताओ आंसर, रोको वीडियो बताओ आंसर, शिफ्ट करोगे, तो क्यों शिफ्ट करें, नहीं करेंगे शिफ्ट, क्यों, तो जुड़ा तो हेड टू हेड टेल टू टेल, हाँ है, तो थीटा क्या आएगा, एंगल बिटवीन सी एंड डी क्या हो जाएगा 240, क्यों, जब तक वेक्टर हेड टू हेड लगे होते हैं, टेल टू टेल लगे होते हैं, तो जो उनके बीच में सबसे छोटा एंगल होता है वही लिख दिया जाता है, तो इनके बीच में सबसे छोटा यही है। अरे सर गलती हो गया, क्या हो गया, गलती हो गया, तब मुंह हमारा इस तरह बन गया, क्यों, इनके बीच का सबसे छोटा एंगल तो 120 होगा ना, तो एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड डी वेक्टर क्या हो जाएगा,
120 डिग्री आएगा, समझे बाबू, 120 आएगा। अब दांत निकालो, खुश हो जाओ, ये सही है और ये रॉन्ग है, ये सही सही है। यहां एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होगा, 120 होगा। क्यों 120 होगा समझ में आ गया होगा तुमको। कैसा लगा मेरा मजाक, बहुत टेस्टी, ठीक है। तो हेड से हेड या टेल से टेल जुड़ा होना जरूरी नहीं है, उनके बीच का सबसे छोटा एंगल भी देखना जरूरी है। और नहीं जुड़ा है तो उनको जोड़ो, नहीं जुड़ा तो उनको जोड़ो, कैसे भी जोड़ो, ठीक है। चाहे ए को शिफ्ट करो चाहे बी को शिफ्ट करो, वो तुम्हारी चॉइस है, लेकिन जोड़ो। और उनके बीच का छोटा एंगल देखो, तो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होता है, क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन वेक्टर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय हेड टू हेड और टेल टू टेल। एच एच का मतलब हेड टू हेड, समझे, या फिर टेल से टेल है, और उनके बीच का छोटा एंगल देखना होता है, ठीक। चलो, कितने लोगों का आंसर 240 आ रहा था बताओ जरा, कितने लोगों का आंसर 240 आ रहा था बताओ, आ रहा था। अब बात करते हैं रोटेशन ऑफ वेक्टर की, इसकी रोटेशन ऑफ वेक्टर की, पता है वेक्टर में बहुत कुछ है पढ़ाने को, वेक्टर में बहुत कुछ है पढ़ाने को, लेकिन हम आपको वो सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं, वो चीजें पढ़ा रहे हैं जिसकी जरूरत है। हमें जरूरत किसकी थी, डिफरेंट टाइप के वेक्टर की जरूरत थी, हमें जरूरत है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर की, जो कि हमने आपको सिखाया किसी वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। हमें एंगल बिटवीन वेक्टर की जरूरत होती है, हमें एक और जरूरत होती है रोटेशन ऑफ वेक्टर की। तो वेक्टर को रोटेट करते हैं तो क्या होता है, वेक्टर को रोटेट करते हैं तो क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, डायरेक्शन विल चेंज। तो जब एक वेक्टर को रोटेट करते हैं तो वेक्टर बदल जाएगा, जब एक वेक्टर को, कोई ए वेक्टर था ऐसे और इस वेक्टर को हमने क्या किया, रुको, ये ए वेक्टर है, इस वेक्टर को अगर मैंने रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा डिग्री, ये वेक्टर बी बन गया, क्या बन गया, बी बन गया। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बी वेक्टर के बराबर होगा, लेकिन ए वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो बराबर नहीं होगा बी वेक्टर के, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यह मतलब होता है वेक्टर के रोटेशन का, ये मतलब होता है वेक्टर के रोटेशन का। तो जब वेक्टर को हम रोटेट करते हैं तो मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, तो समझ में आ गया बेटा क्या, कि अगर हम रोटेट करेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन बदल जाएगा, लेकिन एक डिस्प्लेसमेंट की बात होती तो कुछ नहीं होता, मैग्नीट्यूड भी सेम रहता, डायरेक्शन भी सेम रहता। अच्छा आइए आगे बात करें थोड़ी सी, क्या बात करें, आगे बात करना है ये, क्या इसी एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो एक वेक्टर है, एक वेक्टर है जो कि इस तरफ है 3 यूनिट का, ऐसे लिखा जाएगा, ये तो होगा, तो फाइंड द वेक्टर इफ वेक्टर ए इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, राइट ए डैश वेक्टर राइट ए
डैश वेक्टर व्हेन वेक्टर ए इज रोटेटेड बाय पाई बाय टू डिग्री, ये पाई बाय टू रेडियन, सॉरी डिग्री बोल रहा था, पाई बाय टू रेडियन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। वाइज सेंस मैं ये लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा नया वेक्टर? तो कुछ सोचो, एंटी क्लॉकवाइज में अगर मैं इस वेक्टर को रोटेट करूं, इस वेक्टर को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करता हूं तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये आ गया, ये नया वेक्टर बन जाएगा बी वेक्टर, ये नया वेक्टर बन जाएगा बी वेक्टर। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में इसको हमने घुमा दिया कितना 90 रेडियन। तो नया वेक्टर क्या जाएगा? नया वेक्टर जो बनेगा बी वेक्टर जो बना, जिसको हमने बोला ए डैश वेक्टर, इसे नया वेक्टर बी बोल के हम आपको अननेसेसरी कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? हम बोल देते हैं नया वेक्टर बन गया ए डैश वेक्टर, है ना, अननेसेसरी हम जो है काबिल ज्यादा बन रहे हैं। आता जाता कुछ नहीं, चुनाव चिन्ह छाता, है ना। हाँ बेटा, थप्पड़ मारेंगे अगर ऐसा सोचोगे तो, ठीक है, समझे। तो ए डैश वेक्टर का और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन, ए डैश वेक्टर की डायरेक्शन क्या जाएगी? अब जे कैप हो जाएगी बेटा। तो मैग्नीट्यूड तो इसका 3 यूनिट रहेगा, डायरेक्शन जाएगा जे कैप। तो ए डैश वेक्टर क्या लिखा जाएगा बेटा? 3 जे कैप हो जाएगा। तो देखा तुमने, वेक्टर को रोटेट कर दिया तो नया वेक्टर क्या बन गया? हा हा बन गया। यही सोचे थे तुम भी, क्वेश्चन पढ़ के यही सोचे थे। तो मैग्नीट्यूड सेम रहा, क्या बदल गया? डायरेक्शन। तो जब एक वेक्टर को रोटेट करते तो क्या रहता है? मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन बदल जाता है, ठीक है। चलो अभी इस पर क्वेश्चन एक और करेंगे जब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे तब। अब क्या करने जा रहे हैं? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर। किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? तो दो तरह के स्केलर ले लो, दो तरह के स्केलर ले लो, एक पॉजिटिव स्केलर, और एक नेगेटिव स्केलर। तो किसी वेक्टर को अगर पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा। तो क्या होता है? मैग्नीट्यूड विल चेंज, डायरेक्शन रिमेन सेम। मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन सेम रहे, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। अगर नेगेटिव स्केल मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, डायरेक्शन विल चेंज। डायरेक्शन किस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा? डायरेक्शन उल्टा हो जाएगी। क्या जाएगी? उल्टा हो जाएगी भाई। प्लस 3i इधर है, माइनस 3i इधर है, तो डायरेक्शन क्या जाएगी? अपना लिख लो, उल्टा। उल्टा हो जाएगा डायरेक्शन, उल्टा उल्टा पुल्टा। जैसे देखो, अगर मैं कहूं मैं जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से,
मान लो कोई आदमी ए है, मैं ए हूं, तो ऑब्वियसली इधर को हमने बोला एक्स डायरेक्शन, इधर को बोला वाई डायरेक्शन, है ना, ऊपर को। तो वेलोसिटी ऑफ मैं जो कि ए है कितना है, 10 आई कैप है। अगर मैं बोलूं मेरी वेलोसिटी डबल हो गई, या इनडायरेक्टली बोलूं मैंने अपनी वेलोसिटी को वीए को वीए डैश बना दिया, कैसे, वीए डैश है टू टाइम्स ऑफ वीए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब जो मेरी वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड है, डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। मतलब अगर मैं इसको इतने बड़े वेक्टर से डिनोट करता, देखो जरा ध्यान से, अगर मैं ए को इतने बड़े वेक्टर से डिनोट करता तो ये वीए था और ये क्या है, वीए डैश टू टाइम्स ऑफ वीए। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन वही रहा, मैग्नीट्यूड डबल हो गया, मतलब टू वीए मतलब उसी डायरेक्शन में डबल वेलोसिटी से, ठीक। अच्छा अगर यही नेगेटिव स्केल होता तो वीए जा रहा था इससे 10 से, अगर मैं बोलता वीए डैश है माइनस टू वीए तो क्या मतलब होता, तो जानते हो जाता, तो हो जाता ये ऐसे बस डायरेक्शन में हो जाता। माइनस टू वीए तो ये जो डायरेक्शन होती है, अब इसके दौड़ने का जो डायरेक्शन है वो हो जाता है इस तरफ, मतलब ग्राफिकली डिनोट करते तो बड़ी डंडी डिनोट करते लेकिन उल्टी डायरेक्शन में करते, और चलने के साथ प्रैक्टिकली देखो तो ये चलता किधर, इस तरफ चलता 20 मीटर पर सेकंड। तो जो नॉर्थ की तरफ जा रहा था वो साउथ की तरफ जाएगा, बस यही मतलब हुआ, फिजिकली देखा जाए तो यही मतलब हुआ। तो किसी वेक्टर को पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन, ठीक है, नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन भी। हां यहां पे कोई बच्चे कहेंगे ओ देखो ने क्या होगा, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, अरे कितना बड़ा काप किया मैंने भाई मैग्नीट्यूड सेम बोल दिया भाई, मैग्नीट्यूड मे चेंज, जानबूझ के लिखा था, समझे क्यों, जिससे याद रहे, कैसे मैग्नीट्यूड मे चेंज क्यों लिखा, चेंज हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, कैसे, देखो 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 देखो, देखो। अगर आप इसको 1 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान सुनो, ये क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन पलटी है, ये क्या है, डायरेक्शन भी पलटी है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ है। अब याद रहेगा इसीलिए मैंने गलत बताया था, जिससे तुम्हारे दिमाग में ये बात है बस जाएं। आओ इसका एग्जांपल दिखाएं, कुछ बच्चे मैसेज करेंगे, जो बच्चे इस बात का मैसेज करेंगे कि सर आपने वहां गलत लिखा, हम समझ जाएंगे कि बच्चे बहुत केयरफुली सुन रहे थे, और जो बच्चे सुनते जाएं सुनते जाएंगे और मस्त रहेंगे वो आहा हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है, मतलब ये हुआ कि जो ए चल रहा था 10 से वो इधर चलेगा, बस बुझाया, भूले तो नहीं, थोड़ा यहां पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं तो हमने तुम्हें थोड़ा सा मजा लिया है, ज्यादा नहीं लिया मैंने, इसलिए थोड़ा लिया है।
तो मैग्नीट्यूड वैसे बना दो, डायरेक्शन उल्टा कर दो, ठीक है, ऐसे पलट दो, ठीक है। ये VA है और ये VA डैश है जो कि माइनस VA। कैसा लगा मेरा भैया? बहुत घटिया। मैं चाहता भी था घटिया लगे, जिससे भेजे में बस जाए। तो क्या सीखे तुम, क्या सीखे आज? बस आज इतना ही पढ़ाएंगे, सिर्फ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर नहीं पढ़ाया, नहीं बड़ा हो जाएगा, फिर क्लास बड़ी हो जाएगी। हम बड़ी क्लास आज नहीं पढ़ाना चाहते, क्यों? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर नई क्लास से शुरू करेंगे। तो क्विक रिवीजन जो कि आपका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है, ठीक है, आज मैंने बताया नहीं तो क्विक रिवीजन करेंगे, लेकिन मैं कराऊंगा क्योंकि तुम लोग का फेवरेट काम है ना। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, उनको हम बोलते हैं वेक्टर। उनको क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। जिनमें डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, लेकिन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ना फॉलो करो, वेक्टर नहीं होती है। हमने यहां पर अपने इस वाले बैग से एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। क्या दिखाया था? कि स्मॉल एंगल स्केलर है, नहीं स्मॉल एंगल वेक्टर है, लार्ज एंगल स्केलर है। फिर हमने क्या बताया? वेक्टर को कैसे लिखते हैं? जिसमें एरो लगी हो वो वेक्टर होता है, टेढ़ी मेढ़ी एरो नहीं लगाते हैं। जितना लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड होता है, और जिधर तरफ इसका मुंह होता है वो क्या होता है? डायरेक्शन होता है। फिर हमने आपको सिखाया कि कैसे इसको नोटिफिकेशन में लिखते हैं, जैसे ये एक हो गया, ये इधर हो गया, ठीक है। ये बताता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात बताता है, कौन सी लंबाई को क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सब सिखाया हमने। हमने बताया यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है, क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है, और इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो वन यूनिट होती है। तो हमने बताया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का क्या यूनिट वेक्टर होता है? एक्स को आई, वाई को जे, जेड को के बोलते हैं, और ये केवल केवल डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन देता है। समझाने के लिए खूब सारे एग्जांपल दिए, क्या मिंटुआ उधर जा रहा है, चिंटुआ इधर जा रहा है, तो आईजे में कैसे लिखेंगे, कैसे इस तरह से हम इसको लिख के आपको दिखाएंगे, ठीक है। फिर हमने कुछ कुछ और एग्जांपल लेके आपको समझाया, आगे बढ़ते हैं। जीरो वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड शून्य है उसको डॉट से दिखाते हैं, इसका डायरेक्शन अनडिफाइंड होता है, जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं उसकी डायरेक्शन कुछ भी बोलते रहो, है ना। फिर इक्वल वेक्टर क्या होता है? जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है उसको इक्वल बोलते हैं, ठीक है। और अनइक्वल क्या होता है? जिनका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, देखो दोनों गड़बड़ है या कोई एक गड़बड़ है, वो क्या कहलाएगा? अनइक्वल वेक्टर कहलाएगा। दिखाया ना हमने, देखो क्या अनइक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड गड़बड़ हो या फिर डायरेक्शन गड़बड़ हो या फिर दोनों ही गड़बड़ हो। फिर हमने पैरेलल वेक्टर बताया, वो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो, बात खत्म। हां हो सकता है कि इनका जो है मैग्नीट्यूड भी सेम हो तो वो पैरेलल होगा, तो इसीलिए लिखा है इक्वल वेक्टर पैरेलल होगा, लेकिन पैरेलल वेक्टर इक्वल हो सकता है। एग्जांपल देके हमने समझाया अभी था आपको। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है? जिनका डायरेक्शन अपोजिट हो उसको एंटी पैरेलल बोलते हैं, जैसे ए बी एंटी पैरेलल है, ए और सी एंटी पैरेलल है, बी और सी पैरेलल है, ठीक है। फिर कॉन्करेंट वेक्टर क्या होता है? जो एक ही जगह शुरू हो या शुरू होता लगता है उसको कॉन्करेंट बोलते हैं, जैसे टग ऑफ वॉर में देखो ये कॉन्करेंट वेक्टर है, है ना, क्यों? एक ही जगह फोर्स लग रहा है। कोप्लेनर, जो एक ही प्लेन में उसको कोप्लेनर बोलते हैं, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, देखो दो उंगली कोप्लेनर है, दो उंगली कोप्लेनर है, लेकिन ये कोप्लेनर है, लेकिन ये कोप्लेनर नहीं है, ये कोप्लेनर नहीं है, देखो ये कोप्लेनर नहीं है, कहां कोप्लेनर, देखो देखो दिख रहा है, ये कोप्लेनर नहीं है, लेकिन ये कोप्लेनर है, डिचकियाओ ये कोप्लेनर है, ये जो है ना डिचकियाओ ये कोप्लेनर है, ठीक है, ये कोप्लेनर है, लेकिन ये कोप्लेनर नहीं है, ये मैंने आपको सिखाया, ठीक है। तो तीन वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, लेकिन दो प्लेनर हमेशा कोप्लेनर रहेंगे। ऑर्थोगोनल क्या होता है? जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल, जैसे आई जे के ऑर्थोगोनल हैं, ठीक है। फिर एंगल बताया कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर हेड टू हेड लगे हो या टेल टू टेल लगे हो, उनके बीच का सबसे छोटा एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर। हमने बताया वी कैन डिस्प्लेस अ वेक्टर विदाउट रोटेशन ऑफ वेक्टर, हम डिस्प्लेस कर सकते हैं वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा, क्यों? ये वेक्टर देखो हेड टू टेल लगे थे तो एंगल 150 मत बोल देना, इसको शिफ्ट कर दिया, वेक्टर में चेंज नहीं होगा क्योंकि शिफ्ट कर सकते हैं, तो इनके इनके बीच का एंगल क्या है? 30 एंगल बिटवीन वेक्टर हो जाएगा। फिर हमने आपको एग्जांपल और दिया, क्या दिया? कुछ कह रहे थे ए को आपने बी को क्यों शिफ्ट किया, ए को क्यों नहीं शिफ्ट किया, हम ए को भी शिफ्ट कर सकते हैं, ए पहले यहां था इसको यहां ले आए, देखो ये हेड टू हेड जुड़ गया, हेड टू हेड जुड़े, टेल टू टेल जुड़े, छोटा एंगल एंगल बिटवीन वेक्टर होता है। फिर हमने क्या बताया, जैसे ये दो वेक्टर लगे, ये एंगल बिटवीन वेक्टर नहीं है, इसको शिफ्ट करो, ये पाई माइनस थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर होगा।
फिर यहां पे क्या एंगल बिटवीन वेक्टर 240 होगा? नहीं, हेड टू हेड जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, ये दोनों हेड टू हेड जुड़े हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है इनके हेड टू हेड जुड़ने में, लेकिन हमें तकलीफ किस बात से है? हमें तकलीफ इनके बड़े वाले एंगल से, जबकि छोटा एंगल देखा जाता है, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है, किसी वेक्टर को रोटेट करते हैं तो मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। चलो बढ़िया भाई, तो हमने रोटेट किया देखो ए वेक्टर को, ए डैश वेक्टर हो गया, ए डैश वेक्टर क्या जाएगा, 3j बन जाएगा, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे तब। मल्टीप्लीकेशन बाय वेक्टर क्या होता है भाई, एक स्केलर क्या होता है, पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड विल चेंज और डायरेक्शन विल रिमेन सेम, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में चेंज। यहां मैंने कलाकारी की थी, जानबूझ की थी, जिसे याद है मैग्नीट्यूड में चेंज, जैसे 1 यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, और अगर आप किसी अदर देन 1 यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे -1 यूनिट से तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा और डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल में किया, ये 10 से जा रहा था, 2 गुना कर दिया 20 हो गया, डायरेक्शन सेम रहा, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, देखो डायरेक्शन सेम रहा, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। नेगेटिव मल्टीप्लाई किया तो -2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो डायरेक्शन चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, लेकिन -1 से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड सेम रहा। बस इतना ही पढ़ाया, इसके साथ सभा खत्म, सभा खत्म हो गई। तो मेरे ख्याल से मजा आया होगा, मजा नहीं भी आया होगा तो मजा पैदा करो जीवन में, क्यों पैदा करो, देखो तुम्हारी चल रही है पढ़ाई, पढ़ाई कोई अच्छा काम नहीं होता, पढ़ाई कोई अच्छा काम नहीं होता, किसी को पढ़ाई अच्छी लगती नहीं है, किसी को पढ़ाई अच्छी लगती नहीं है, क्यों नहीं अच्छी लगती है, देखो कोई मूर्ति होती है, कोई मूर्ति कैसे बनती है, कोई पत्थर होता है, उसको तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है, बहुत उस पर हथौड़ियां चलती है, छेनी चलती है, फिर जाके एक सुंदर सा रूप लेता है, फिर जाके एक सुंदर सा रूप लेता है, तब वो आकर्षक लगता है, तब उसकी पूजा होती है। वैसे जब हम पैदा होते हैं तो बिल्कुल रॉ पत्थर रहते हैं, हम मेहनत करते हैं, अपने पर बहुत सारे वार सहते हैं, बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, बहुत सारा नॉलेज लेते हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर जाके हम एक आइडियल आदमी बनते हैं, फिर हमारी काम की वैल्यू होती है, फिर लोग हमको रिकॉग्नाइज करते हैं। इसीलिए तुम्हारे लिए 2 लाइंस मैंने लिखी हैं, अपनी लाइन लिखी है, वो पढ़ के तुम्हें सुनाता हूं। कोरिलेट करना, कोरिलेट करना जो मैंने अभी बताया उससे, क्या क्या ये जो 2 लाइन है ये ध्यान से सुनो, शुरू करें, ठीक है। आवाज तो होगी ही, आवाज तो होगी ही, क्यों होगी, आवाज तो होगी ही, क्यों होगी, ध्यान सुनो। अभी मरम्मत चल रही है, अभी मरम्मत चल रही है, अभी मरम्मत चल रही है, छेनी हथौड़ी की आवाज तो होगी ही, अभी मरम्मत चल रही है, छेनी हथौड़ी की आवाज तो होगी ही। मेरे ख्याल से कोरिलेट कर पा रहे होगे, कर पा रहे हो तो बताना, क्या आवाज तो होगी ही, क्यों, अभी मरम्मत चल रही है इसीलिए छेनी हथौड़ी की आवाज तो होगी ही। बता के जा रहे हैं, कायदे में रहना, फायदे में रहोगे, मस्त रहना, इंजॉय करते रहना, यही मिलेंगे फिर।